नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नाला सोपारा में देसी कट्टो और 43,000 रुपए के नकली नोट समेत चार आरोपी गिरफ्तार। नाला सोपारा की पेलहार पुलिस ने अंजाम दी कार्यवाही। अपराध एवं अपराधियों के गढ़ नाला सोपारा के नए शुरू हुए पेलहार पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी कार्यवाही अंजाम देते हुए नकली नोटों के साथ देसी कट्टे तमंचे बेचने वाले चार लोगों की टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम तारकेश्वर यादव, राहुल चौहान, रामसेवक चौहान और सिवान यादव बताए गए हैं, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर अपने साथ लाए माल को बेचने आए थे। इन आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी मुखबिर के द्वारा प्राप्त होने पर पेलहार पुलिस की क्राइम यूनिट ने आरोपियों पर नज़र रखते हुए आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 9 जीवित कारतूस, 2 देसी कट्टे और 43,000 रुपये के नकली नोट के साथ एक धारदार चाकू बरामद हुआ। यह पकड़े गए आरोपी किसके बुलाव पर अवैध कारोबार करने मुंबई तक आए, इन सभी तथ्यों की जांच पेलहार पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर, कई बनावट रकमें सह टोळी पकडलेली आहे, काय संपूर्ण घटनेची माहिती आहे काय? तुंगारेश्वर ब्रिज आहे आपल्याकडे, त्या ठिकाणी आम्हाला अग्रेसर बातमी मिळाली की त्या ठिकाणी असे यूपीवरून काही लोक या त्या ठिकाणी येणार आहेत आणि ते सोबत गावठी कट्टे आणि नकली चलनी नोटा घेऊन सोबत येणार आहेत अशी माहिती मिळाल्यानंतर आमची डिटेक्शन टीम सिनेरबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी थांबून होती। त्या ठिकाणी थांबल्यानंतर तसे लोक त्या ठिकाणी तिथं आल्यानंतर यांनी त्यांना लगेच ताब्यात घेतले असता तर त्यांच्या ताब्यामध्ये 2 गावठी कट्टे, 9 जिवंत कारतूस आणि 1 चाकू आणि त्यासोबत 43,900 रुपयाच्या नकली चलनी नोटा त्यांच्या ताब्यात मिळाल्या। सर, या नोटा कुठे कशा पद्धतीने वापरण्यात येत होत्या याबाबत? आता ह्या नोट्या आरोपींच्या सांगण्यावरून की त्यांना यूपीवरून त्यांनी हे हत्यार आणि नोटा तिकडनं आणले तर ज्या व्यक्तीने त्यांना हे सुपूर्द केले ते आपल्याला त्याचा शोध घेणं आहे आणि हे सर्व गोष्टी तपासानंतर आपल्याला निष्पन्न होते। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।